हेलो घुमकर्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने इस श्लोक का पार्ट वन नहीं देखा है, मतलब श्रीनगर टू जोजिला और हमारी बर्फ में की हुई मस्ती, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले आई बटन को क्लिक करके उस श्लोक को देखिए एंड फिर इस पे वापस आइएगा इस श्लोक पे। और इस श्लोक में हम कारगिल वॉर मेमोरियल और हुंडरमन व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। और हम जोजिला से चल दिए हैं और अब कारगिल 97 किलोमीटर दूर है और अप्रोक्सीमेटली ये दिखा रहा है हमें 2 घंटे लगेंगे। ये मीना ब्रिज है, पीछे मीना ब्रिज 1 निकल के गया है और ये है मीना ब्रिज 2। तो बर्फ में खूब धमाचौकी करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कारगिल को। और ये जो सामने गेट है ये टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ कारगिल का है। यहाँ पर चेक पॉइंट है, हमारी गाड़ी के नंबर की नोटिंग होगी एंड उसके बाद हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ से कारगिल 84 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर बेसिकली हमारी गाड़ियों की एंट्री होती है और डिटेल पूछी जाती है, तो वो हमने करा दी है और हम आगे मूव कर चुके। तो अभी हम लोग ऐसे ही खिड़की खोल रहे थे, बाहर हाथ निकाल रहे मजे कर रहे थे, तो पीछे से पापा कह रहे हैं कि हाथ खिड़की से अंदर करो, ठंड लग जाएगी, ठंडी हवा आ रही है गाड़ी पे। माइक टोपी निकाल दो, माइक ठंडू लग जाएगी इस घुमक्कड़ राई को जो बाइक राइडिंग करके करने आते हैं लद्दाख में, और हमको इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। और हम एक टी शर्ट में है और एक ये स्वेटर में। अब हम आ पहुंचे हैं द्रास गांव में। द्रास, कारगिल, इन सब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कारगिल युद्ध की याद ताजा हो जाती है और उसकी गमगीन यादें भी, क्योंकि इस युद्ध में कई सारी माओं ने अपने बेटों को खोया था। तो अब कारगिल सिर्फ 58 किलोमीटर दूर बचा है। फाइनली अजमती दे की इंतजार के बाद हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। तो अभी हम लोग आ गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पे। तो ये है कारगिल वॉर मेमोरियल और उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यहाँ पे जो रोड्स और ट्रैक्स हैं हमें सिर्फ वहीं चलना है, ग्रास पे बिल्कुल नहीं जाना है, यहाँ पे लगे हुए किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, कहीं बैठ के फोटो वीडियो नहीं खींचना। ये देखिए, ये है सामने फाइटर जेट प्लेन। कारगिल वॉर मेमोरियल के इस पथ पर उन शहीदों की प्रतिमाएँ हैं जिन्हें परमवीर चक्र और महावीर चक्र मिला था। कारगिल वॉर मेमोरियल में आके ऐसा लगा जैसे कि कई सालों पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब देश की कई माताओं ने अपने लाल को खो दिया था। कारगिल वॉर मेमोरियल के म्यूजियम में वो वेपन्स रखे गए हैं जो कि युद्ध में यूज हुए थे, और वो चीजें रखी हुई हैं जो पाकिस्तानियों को बिलोंग करती है, जैसे उनके हथियार या उनके आईडी कार्ड्स और काफी कुछ। ये है वीर भूमि, यहाँ पर उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए। इससे आगे जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग यहीं से ही वीडियो बना रहे हैं। इसको बनाते वक्त आंखें नम हो गई क्योंकि ये सोच के कि इतने सारे लोग शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर ने भी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने दुश्मनों के बंकर्स को नष्ट किया और हमारे देश के जो जवान जमीन से लड़ाई लड़ रहे थे उनकी भी काफी मदद करी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा इस युद्ध में शहीद हो गए और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के ऑपरेशन सफेद सागर में यूज हुए MiG-21 को यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है। ये सारी चीजें हमारे देश की आने वाली जनरेशंस को हमारे सैनिकों द्वारा किए हुए बलिदान की कहानी सुनाती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये जो सामने इंडिया का फ्लैग है और इसके नीचे जितने भी आपको फ्लैग दिख रहे हैं, ये सारे रेजिमेंट्स के फ्लैग हैं जिन्होंने कारगिल की वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और सामने जो है अग्नि जल रही है, विजय अग्नि, और पीछे उन सारे लोगों का यहाँ पे नाम लिखा है जो शहीद हुए थे। एंड यहाँ पीछे लिखा हुआ है बीनीथ द अर्थ यंग वॉरियर स्लीप। और इसके साथ साथ हम यही कहना चाहेंगे कि उन सारे के सारे सोल्जर्स को नमन हमारा, जिन्होंने अपनी लाइफ की बिना परवाह किए अपने प्राणों की आहुति दे दी इस जंग के मैदान में। तो अब आप ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, बेसिकली इसी के पीछे पाकिस्तान है एंड यही वो एरिया है, यही वो पहाड़ियां हैं
जहाँ पे एक्चुअल कारगिल का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। और आप देख सकते होंगे ऊपर सारी पहाड़ियों पे बर्फ है, तो इतनी बर्फ में इतनी ठंड में हमारी जवानों ने जो है वॉर लड़ी और इतनी बहादुरी से उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। तो अब मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख रही हूँ। यहाँ पे मेमोरियल में एक सॉफ्ट बोर्ड्स हैं दो, जहाँ पे अगर आपको कोई सोल्जर्स के लिए मैसेज लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको पिन कर सकते हैं। तो ये हमारा मैसेज उन सारे सोल्जर्स के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, और अब हम इसको Josh. Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी मैगी का आने का यहाँ पे पहाड़ों की मैगी। ये हमारी मैगी जिसे पड़ रही है अभी शेजवान, और सब मैगी इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी अब मैगी इंजॉय करती हूँ। आप इतना गर्म हो जाएंगे मिर्च की वजह से, प्याज भी लगी पानी में। अब मैं अपनी जल्दी से मैगी खाती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी। ये अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए। कारगिल से 500 मीटर पहले एक टर्न पड़ता है पुल के थ्रू रिवर क्रॉस करने के बाद, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे वो व्यू है और उससे आप पाकिस्तान का बॉर्डर आप क्लियरली देख सकते हैं। रोड, ये रोड बहुत पतली है इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी से चलना पड़ेगा और हमको भी चलना पड़ेगा। अभी बस जस्ट ही एक बहुत छोटा सा जो मोटा हो सकता था, 300 meters, जो मोटा हो सकता था, मतलब क्या कहें उसको, इनकाउंटर होते होते बचा है। तो वही हम कह रहे हैं कि जरा बढ़ने बढ़ने चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। यूपी जैसे बीआरओ ने कहा है, सावधानी हटी पूरी सब्जी बटी, इसीलिए आराम आराम से चलेंगे हम। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि पूरी सब्जी बटेगी तो आपको नहीं मिलेगी, दुनिया खाएगी मगर आप तो देखते ही रह जाएंगे। हमें अभी इस रास्ते पर जाना है इतना छोटा सा रास्ता, पतला सा रास्ता है और ये मात्र 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, पहाड़ के टॉप पर खत्म ही नहीं हो रहा, बिल्कुल टॉप पे पहुंचेंगे। इन पहाड़ों के पतले रास्तों से गुजर के और खतरों के खिलाड़ी का एक एपिसोड शूट करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं हुंडरमन व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ से वैसे इतना विजिबल है नहीं, लेकिन सामने अगर आपको दिख रहा हो नदी के इस पार ही इंडिया की है। यहाँ ये हेलीपैड ही है, यहाँ ये हेलीपैड है, ये नदी बह रही है दास रिवर, इसके उस पार भी इंडिया। लेकिन सामने जहाँ पे ये ग्रीन सेटलमेंट दिख रहा है ना, इसके आगे गांव है, वो एरिया पाकिस्तान है। तो हम पाकिस्तान के इतना पास खड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी ये जो रोड है ड्राइवेबल रोड, ये सामने यहाँ पे एक सेटलमेंट है वहीं तक जा रही है, एंड उसके आगे सारे आर्मी के बंकर्स हैं। ये देखो इन्हें लग रही है ठंड, ठीक है? नहीं मुझे मुझे ठंड लग रही है। और ये जा रहे हैं रूम पे अपनी जैकेट ले रहे हैं, और एक ये बैठे हैं पगड़ी वगड़ी बांध के ठंडक में, क्योंकि ये जो डाइनिंग एरिया है ये ओपन है और इसमें ये ओपन डाइनिंग एरिया। और ये लुक देखिए, ये है कारगिल का लुक, नाइट व्यू, और ये शायद बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, और हम रुके हैं होटल ब्राउन हिल्स में। और इसके जस्ट स्टैंड के जस्ट उधर पानी की पूरी धारा बह रही है और उसकी आवाज भी हो सकता है।
इसका नाम है द्रास रिवर। यस तो ये जो लुक है ये बहुत ही खूबसूरत है। आप तब तक नजारा एंजॉय करिए जब तक हम अपनी जैकेट लेके आते हैं। हाँ जैकेट लेके आते हैं और हमारा खाना भी लगने वाला है और इस होटल का नाम है होटल ब्राउन हिल्स और ये हमारा खाना आ गया है। चलिए अब हम एंजॉय करते हैं अपना खाना। ओके तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे कारगिल से ले तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस व्लॉग को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे व्लॉग बनाने के लिए।